हाय, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा को करना चाहता हूँ, संभवतः जितना छोटा हो सके उतना, ताकि आप इसे ले सके और मनन कर सके, इस पर काम करें, नोट्स बनाएं और इसे अपनाएं। और मैं बहुत ही आनंदित होऊंगा अगर आप और मैं एक पास्टर और अगुवे के रूप में, जो हमारी कलीसिया के स्वास्थ्य के लिए समर्पित हो, अगर आप हमारे संपर्क में रहे, अगर आप मुझे लिखे, अगर आप अपनी कलीसिया के विषय में और उसमें क्या करना चाहते इसके विषय में वार्तालाप करोगे, मैं प्रश्नों का उत्तर देना पसंद करूंगा। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ये सिर्फ सामग्री नहीं है, ये सिर्फ कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, परंतु मैं आपके साथ इसमें चलना चाहता हूँ। 14 सालों तक मैंने इसे किया है, सच में मुझे ये बहुत ही पसंद है, और ये है उद्देश्य प्रेरित कलीसिया। और ये तो एक सम्मेलन है, ये तो एक सामग्री है, ये तो एक युक्ति है और कलीसिया के स्वास्थ्य की एक योजना है। ये कलीसिया को बढ़ाने का कोई उपाय नहीं, लेकिन ये कलीसिया को स्वस्थ करने का उपाय है, ताकि कलीसिया बढ़ सके, और इसलिए हम इसे कर रहे हैं। मैं इसे बोलकर आरंभ करना चाहूँगा कि एक नमूना रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई नमूना नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि वो सही या गलत है। यीशु का भी एक नमूना है और अलग अलग लोगों के इस पर अलग अलग विचार भी है, लेकिन जो बाइबल का नमूना है, ये जो यीशु का नमूना है, और इसमें नमूना होना आवश्यक है। और अगर इसमें नमूना है, आप इसमें शरीक हो और निर्णय लेते हो कि आप इसके साथ में बने रहे, कि आप मेरी बात समझे। उदाहरण के लिए, अगर आप साइकिल चलाने जा रहे हो, आपको एक साइकिल उठाना है, उस पर आपको बैठना है और इसे चलाना है। अगर दो साइकिल चलाते हो, ये तो सर्कस है, उस पटरी पर नहीं जाना चाहोगे, इसलिए हम इसे उठाएंगे। और अगर आप मेरे साथ में सहभागी होते हो, तो एक साथ हम इसे करेंगे और इस प्रशिक्षण में मैं आपको लेकर चलूंगा। तो ये उसका परिचय है उद्देश्य प्रेरित कलीसिया के विषय में। इसे हम महत्वपूर्ण कहते हैं और इन महत्वपूर्ण बातों में 8 नमूने हैं, और आगे में मैं इसे और भी छोटा करके आपको बताऊंगा, ताकि मैं आपको इसके अंत तक लेकर जाऊँ। आप अपने लोगों को लेंगे, आपकी कलीसिया में वे प्रवेश होने से लेकर आपकी कलीसिया से वे बाहर जाकर प्रभु के लिए मिशन जाने तक। ठीक है, हम शुरू करेंगे। हमने आपको नोट्स भेजे हैं उद्देश्य प्रेरित कलीसिया के, और जबकि आप उन नोट्स को भर रहे हैं, आप उसी समय मेरी बातों को सुन सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि आपके पास में नोट्स हो, इसलिए आप हमें लिखिए और हम आपको उसे भेज पाएंगे। उद्देश्य प्रेरित कलीसिया को बनाना, आप इसे कैसे करते हैं, हर कोई जानना चाहता है कि कलीसिया कैसे बढ़ाए या स्वस्थ कलीसिया कैसे बढ़ाए, परंतु ये गलत प्रश्न है। अगर आप गलत प्रश्न पूछते हो तो आपको गलत उत्तर ही मिलेगा। तो सही प्रश्न है, कृपया आप इसे लिख लीजिए। सही प्रश्न ये है, मेरी कलीसिया को बढ़ने के लिए वो कौन सी रुकावट है जो बढ़ने के लिए ना कहती है, क्योंकि कलीसिया की बढ़त ये जीवित है, क्योंकि कलीसिया एक संगठना है और हर एक वो बात जो जीवित है वो तो बढ़ेगी। बढ़त के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बढ़ना ही है। तो प्रश्न ये है, बढ़त की रुकावट के लिए वो कौन सी बात है रोकती है, या फिर बढ़त के लिए वो कौन सी रुकावट है। आप इसे लिख लीजिए, बढ़त स्वास्थ्य की ओर से आती है, बढ़त स्वास्थ्य की ओर से आती है। मैं आपके लिए इसे मिटा देता हूँ। बढ़त, अगर आप चाहते हो स्वास्थ्य की बात की जाए तो, या फिर कोई स्वाभाविक हो, स्वास्थ्य से बढ़त आती है। स्वाभाविक तौर पर बात की जाए या फिर उन प्रक्रिया में, अगर कोई बात स्वस्थ है, आप बढ़त देखते हैं, स्वास्थ्य से बढ़त आती है, ये नहीं आती है किसी भी प्रकार के नमूने के द्वारा। अगर कोई बात जीवित है तो उसे बढ़ना ही है, ये निरंतर बढ़ते रहेगी अगर आप ध्यान दो। तो कलीसिया जो कि एक जीवित अंग है बढ़ने के लिए, तो इसका अर्थ है स्वास्थ्य। तो असली प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न होना चाहिए कि क्या मेरी कलीसिया स्वस्थ है। मैं कैसे जानूंगा कि मेरी कलीसिया स्वस्थ है, मैं कैसे निश्चित हो सकता हूँ, कैसे दूसरों को सिखा सकता हूँ कि वे कलीसिया को स्वस्थ रूप से बढ़ा सके। और उसके लिए जो उत्तर है वो है स्वास्थ्य, जो कि आता है संतुलन से। स्वास्थ्य आता है संतुलन के द्वारा। आपको ये समझना होगा कि बढ़त के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है स्वास्थ्य के लिए, उसमें संतुलन देना जरूरी है। पौधे की बढ़त के लिए सूरज की रोशनी चाहिए बिल्कुल सही मात्रा में, पानी भी सही मात्रा में आवश्यक है, आपको हवा चाहिए, हमें ऐसा माहौल चाहिए जिसे हम वातावरण कहते हैं, बिल्कुल सही मात्रा में। तो जब संतुलन के विषय बात करते हैं, जब बढ़त की बात आती है, फिर से लौट कर चलते हैं,
अगर कोई बात जीवित है तो वो बढ़नी है, आप किसी चीज को बढ़ाते नहीं। आप प्रश्न पूछेंगे कि बढ़त के लिए कौन सी बात रोकती है। अगर कोई बात बढ़ने में रुक जाती है तो उसमें स्वास्थ्य की समस्या है। तो बढ़त के लिए जो उत्तर है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बढ़त आती है और स्वास्थ्य ये आता है संतुलन से। स्वास्थ्य आता है संतुलन से। कलिसियाएं दिलचस्प है, ये बहुत ही दिलचस्प ऐसी बातें हैं। कुछ ने आरंभ किया छोटे रूप में, कुछ बड़े नेटवर्क में है, कुछ भिन्न फिरकों में से है, और ऐसी कुछ बातें हैं जो कलिसिया को चलाती है। और आपको लौटना होगा कि मेरी कलिसिया को कौन सी बात चलाती है उसकी ओर। कुछ कलिसिया परंपराओं से चलती है, इसी रीति से हम लोग करते हैं। लगभग हम जब से ये कलिसिया शुरू हुई है, आरंभ हुई है, हम लोग इसी रीति से करते आए हैं, और वे उससे अलग होना नहीं चाहते। परंपरा उस कलिसिया को चला रही है, और कुछ तो व्यक्तित्व से चलाई जाती है। पास्टर, अगुवा या फिर एल्डर, ये इतना मजबूत होता है कि जहाँ वो जाता है कलिसिया जाती है। कोई उस व्यक्ति से बहस नहीं करता, और अधिकतर समय में वो व्यक्ति शासन करता है कि किस रीति से वो कलिसिया चलाई जाए या काम करे। कुछ कलिसिया धन से चलाई जाती है, और संचालक इस बात का निर्णय लेता है कि सेवकाई होगी या फिर नहीं होगी। आवक के आधार पर ही खर्चा निश्चित होता है, यह उस पर आधारित होता है। हम निर्णय लेते हैं कि सेवकाई होगी या फिर नहीं होगी। कुछ की इमारत होती है, और इमारत के आधार पर आप कलिसिया के उद्देश्य का निर्णय लेते हैं। इमारत के अनुसार कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ इमारत के इर्द गिर्द होता है। असल बात ये होती है कि उस इमारत की देखभाल कैसे की जाए। कुछ इमारतों से चलाए जाते हैं और कुछ कार्यक्रम और इवेंट से चलाए जाते हैं। कुछ कलिसिया में लगातार कार्यक्रम होते हैं। कैलेंडर में तो सब कुछ कार्यक्रम से भरा होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के गेट टुगेदर और कार्यक्रम होते हैं, और लोग परेशान होते हैं उन सभी कार्यक्रम में जाने से। लेकिन कलिसिया तो ऐसी ही है, वे तो कार्यक्रमों से चलाई जाती है। तो आप भिन्न भिन्न बातों से चलाए जा सकते हैं। कुछ अच्छी बातों के द्वारा भी चलाई जा सकती है, जैसे कि सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार तो एक महान ये तो महान आज्ञा है कि संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ खोजते हैं और उसमें कोई बढ़त को नहीं प्राप्त कर रहा है, ये सिर्फ इतना ही है कि संसार तक जाना ही है, और अगर मैं बात करूं तो ये भी संतुलन के बाहर हो जाएगा। इसमें बाइबल आधारित पर्याय क्या है, वे सभी अन्य बातें जो हमारी कलीसिया को चलाती है। मैं आपको सुझाव देता हूं, और वो ये है कि उद्देश्य प्रेरित कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर के जो उद्देश्य है वे अनंतकालिक है। परमेश्वर के उद्देश्य अनंतकालिक है। नीति वचन 19 का 21 ये कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर है। मनुष्य के हृदय में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, लेकिन ये तो परमेश्वर का उद्देश्य है, वह स्थिर रहता है। मत्ती 16 का 18 कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होने पाएंगे। परमेश्वर इसके विषय में स्पष्ट है, और यीशु प्रतिज्ञा करता है कलीसिया को बनाने की, और उसकी कलीसिया का जो उद्देश्य है अनंतकालिक है, और ये बगैर विरोध का है। तो जब कलीसिया उद्देश्य से प्रेरित होती है, ये किसी फिरके का हिस्सा नहीं है, ये न किसी योजना का हिस्सा है, लेकिन ये साधारणता कहता है परमेश्वर के उद्देश्य क्या है। उन उद्देश्य के इर्द गिर्द में हम सभी बातों को रखने वाले हैं। जो कुछ हम करेंगे उस उद्देश्य के आसपास में ही रहेगा। उन लोगों के लिए उन उद्देश्य को लेंगे। क्या हम नया स्टाफ रखने वाले, ये तो उद्देश्य से प्रेरित रहेगी। अगर आप कलीसिया को नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं तो ये एक उद्देश्य होगा। क्या हम कैलेंडर की योजना बनाएंगे, ये उद्देश्य से प्रेरित रहेगी। सब बातें परमेश्वर की बातों के साथ जुड़ी रहेगी। इसी रीति से आप जानते हैं कि आप प्रतिज्ञावंत भी हो, और अगर आप आज्ञाकारी भी हो तो निश्चित ही आप स्वस्थ भी होंगे। आपको शुरू करने के लिए एक परिचय मात्र ही था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी कलीसिया किस रीति से बढ़ने पाए। ठीक है, अगर आप उद्देश्य से प्रेरित कलीसिया या फिर एक झुंड है और आज्ञाकारी कलीसिया, और आपको तो एक ऐसी कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य पर पानी फेरना है, तो आइए अगले सत्र में हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य की ओर जाए और ये देखना आरंभ करें परमेश्वर कलीसिया के लिए अपने उद्देश्य को कैसे सुरक्षित रखता है। ये किताब में है। प्रभु आशीष दे।